अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा खान कुकिंग। और आज हम बना रहे हैं लॉलीपॉप विद स्वीट सॉस के साथ। तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो चिकन लॉलीपॉप। आप चिकन लेने जाओगे उसी शॉप वाले को, अगर आप बोलोगे कि हमें इस तरीके का चिकन कट करके दे, तो वो आपको इस तरीके से चिकन कट करके देगा। तो इसको बोलते हैं चिकन लॉलीपॉप। देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने ली है, ये टोटल 1 किलो है, 1 किलो लिया है मैंने। तो अगर नंग में अगर देखेंगे पीस में, तो ये 12 पीस है। कभी फटाफट से हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैं अभी 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने। 1 चम्मच मैं लूंगी विनीगर। अगर आप विनीगर नहीं डालना चाहते तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। और 1 चम्मच मैं लूंगी सोया सॉस। इसके साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। आधा चम्मच के करीब नमक ले आप, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक यूज़ कीजिए। और अभी इसी में मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर। आप ब्लैक पेपर की जगह पर थोड़ा सा घर का गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ब्लैक पेपर नहीं डालना है तो। अभी इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको लाल मिर्च अगर तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर तीखी वाली लाल मिर्च भी पाउडर डाल सकते हो, लेकिन मैंने कलर के लिए डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। तो एक एक करके इसमें पीस डाल दें, इस तरीके से उन पर मसाला लगाते जाएं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसके मसाला लगा दिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे साइड पे। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। अभी मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँगी। तो अभी इसके सॉस के लिए मैंने यहाँ पर ये पैन रखा है, और मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को सॉस बनाना बताऊँगी। और इसके लिए अभी मैंने लिया है सेज़वान चटनी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये आधा कटोरा आधा कप जो बोलोगे आप लोग, तो ये मैंने लिया है सेज़वान चटनी है, ये जो रेडीमेड हम बाहर से लाते हैं ये वही है। और 1/4 चम्मच विनीगर लिया है, और 1/4 चम्मच सिरका लिया है, वाइट सिरका। तो अभी मैं गैस की फ्लेम ऑफ ऑन कर देती हूँ। तो ये देखें इस सेज़वान चटनी में इसमें डाल देंगे पैन में, और साथ ही में मैं इसी प्याले से 1 कप प्याला पानी भर के डाल दूंगी, और थोड़ा लेंगे आधा। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी तरीका है, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगी, ना ही लाल मिर्च को आपको भिगा के रखना है फिर उसे मिक्सी में पीसना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें है देखिए, इसमें चिल्ली फ्लेक्स वगैरह भी है, सब कुछ इसमें रहता है। तो आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपको इसमें शुगर डालनी है, विनीगर और सोया सॉस। तो विनीगर मैंने डाल दिया है, सोया सॉस भी मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छे से पकने देंगे, एक बॉईल आने देंगे इसे अच्छे से। तो देखिए इसको हल्का हल्का उबाल आने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच शक्कर। दो चम्मच, 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें, नॉर्मल चम्मच जो हम
शक्कर यूज़ करते हैं चाय बनाने के वक्त, वो वाले चम्मच से मैंने डाला है। तो 2.5 चम्मच मैंने शुगर इसमें ऐड कर दी, शुगर मेल्ट हो जाए वहाँ तक के इसे पका लूँगी मैं। देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है इसको। अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी 1 चम्मच, तो अभी मैं 0.5 चम्मच के करीब डाल दूँगी इसके अंदर। इसकी थिकनेस चेक करेंगे अच्छा पका के। आपको जितना थिक चाहिए आप उतना थिक कर सकते हो, पतला गाढ़ा आपके ऊपर है। तो मैं भी मेरे हिसाब से रखूँगी, मुझे जितना थिक चाहिए मैं उतना ही रखूँगी। इसे से पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए इसके अंदर। सॉस मेरी रेडी है और मैंने सिर्फ 0.5 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। तो देखिए उसको अच्छे से मैंने पकाया है। तो ये देखिए ये सॉस ठीक हो चुकी है, बस मुझे ऐसे ही चाहिए। तो अब मैं इसे साइड पे रख दूँगी। आप अगर चाहो तो इसके अंदर ग्रीन प्याज की पत्ती को भी ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन अभी नहीं, ये गर्म है, जब ठंडा हो जाए जब डालिएगा। तो मैं इसे साइड पे रख देती हूँ, ये ठंडा होकर और ठीक हो जाएगा। अभी देखिए अभी तो ये परफेक्ट है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा ठीक होगा। ठीक है, मुझे इसमें नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा नमक भी डाला है। आप चेक करके नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो। देखिए तो ये सॉस एकदम, ज़्यादा झंझट नहीं करनी है आपको, बस सेज़वान चटनी से ही हम स्वीट सॉस रेडी कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। देखिए इसे मैरिनेट 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट करके करते हुए, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच चावल का आटा है, ये 2 चम्मच चावल का आटा लेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 2 चम्मच मैदा लेंगे, और साथ ही में मैं लूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच लूँगी मैं लाल मिर्च, क्योंकि जो हमने ये सूखा आटा जो डाला है, मैदा है, कॉर्नफ्लोर है और चावल का जो आटा है। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 अंडा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं इसे मिक्स कर लूँगी इन सब चीज़ों के साथ। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हो 1 अंडे के साथ। मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। अभी मैं 1-1 पीस लूँगी लॉलीपॉप के, और मसाला इस पर इस तरीके से लगाकर मैं इसे बिस्मिल्लाह तेल में इस तरीके से डालती जाए। एक एक पीस डालिए। इसमें एक ही बारी में जितने पीस आएंगे मैं उतने रख दूंगी इसमें। और गैस की फ्लेम लो रखे, फास्ट ना करे, वरना क्या होगा ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। धीमी आंच पे पकाई इसे, साइड से इसे 2 से 4 मिनट तक फ्राई होने दे, फौरन नहीं पलटे इसे। अब इसे आराम से पलटिए। मैंने एक ही तरफ से 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है, अब मैं दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं करनी इसे, ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। यहाँ से भी 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए ये रेडी है। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये लीजिए हमारी लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप रेडी है विथ सॉस।
और आप लोग को मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी क्या डिश की रेसिपी देखना चाहते हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वो रेसिपी आप लोगों को दे सकूँ। और बस इन्जॉय कीजिए रमज़ान में, इंशाल्लाह आप लोग को ये डिश बहुत पसंद आने वाली है। और इसी तरह मेरी आसान रेसिपियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।